हे गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग अपना सीरीज चला रहे हैं कि मैं आपको मेंस का वैराइटीज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं ये एक नया न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। एक कोडिंग डिकोडिंग है और एक आपका न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, तो इससे मुझे भी और थोड़ा सा हौसला मिलेगा और मैं और अच्छे से करने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का हमारा सेशन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कॉन्सोनेंट इज असाइन अ डिफरेंट नंबर ऑफ 1 to 7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज 1, C is coded as 2, J is 7 and continue, ठीक है। Again those numbers are get repeated, for example K is 1, L is 2 and so on. Besides the above information, following operations are to be applied or the coding and words given in the question below. Each letter of the given question will be coded as per the given condition. Vowels appear before K in the alphabetical series will be coded as star and एंड, ठीक है। स्टार एंड वॉवेल्स आर अपेयरिंग आफ्टर के इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विल बी कोडेड एज डॉलर एंड, व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर सुपर पावर, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इतने का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जैसे ए बी सी डी एच, ए से जेड तक का मेरा अल्फाबेट्स है, ठीक है। उसमें से आप क्या करो कि जो वॉवेल्स है उसको अलग कर दो, तो जो वॉवेल्स अलग हो गया अब बचा क्या, कॉन्सोनेंट्स। अब बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट्स जो है हर एक कॉन्सोनेंट के साथ एक नंबर असाइन होता है और वो 1 से 7 तक। तो मान लीजिए बी, जैसे वॉवेल ए मैं हटा देता हूं तो बी से शुरू होता है, तो बी को 1 असाइन होगा, सी को 2 असाइन होगा और डी को 3 असाइन होगा, इस तरीके से। अब जैसे ही 7 नंबर तक असाइन हो गया फिर से वो नंबर रिपीट होगा, तो ये मेरा कहा गया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला कंडीशन, ईच लेटर गिवन क्वेश्चन विल बी कोडेड एज पर द गिवन कंडीशन, और यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, बोला गया है कि जो के लेटर है ना, ठीक है, के लेटर है, अगर के लेटर के पहले कोई वॉवेल आता है तो वो जो है आपका स्टार और एंड से उसको डिनोट किया जाएगा, और के बाद वाला जो वॉवेल है वो अगर आएगा तो डॉलर और एंड से डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे कहा गया है। तो अब मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। तो हम वॉवेल को पहले छोड़ देंगे और लिखेंगे, चलो बी 1, सी 2, डी 3, ई नहीं होगा, फिर एफ 4 और जी 5, एच 6, आई नहीं होगा, जे 7, ठीक है, समझ गए। अब फिर मैं जब आगे लिखूंगा तो फिर से 1 से शुरू करूंगा, तो जे के बाद के होता है, के 1, एल 2, एम 3, एन 4, ओ नहीं होगा, पी हो जाएगा, 5, क्यू 6, यू आर, फिर हमारा हो जाएगा 7, तो ये हो गए। फिर आर के बाद एस, एस 1, ई 2, यू तो नहीं होगा क्योंकि यू वॉवेल होता है, वी 3, डब्ल्यू 4, एक्स 5, वाई 6, जेड 7, तो ये कहा गया है, ठीक है। अब देखो जैसे के पहले क्या क्या कौन सा वॉवेल आता है, के पहले वॉवेल आता है मेरा ए, ई और आई, ठीक है। तो ए के लिए मेरा क्या हो जाएगा, स्टार एंड एंड, ठीक है, यहां पे भी सेम हो जाएगा, यहां पे भी सेम हो जाएगा। और के बाद कौन सा वॉवेल आता है आपका, ओ और यू, ठीक है, ये दोनों वॉवेल आता है। तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा,
इसके लिए ओ के लिए मेरा वॉवल कोड हो जाएगा डॉलर एंड डॉलर एंड, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे कहना चाह रहा है। अब देखिए इसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग को सुपर पावर का कोड जो है वो निकालना है, ठीक है। सुपर पावर का कोड हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं सुपर पावर का कोड किस तरीके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मैंने लिख लिया है, अब मैं सुपर पावर का कोड करूंगा, ठीक है। तो एस यू पी ई आर पी ओ डब्ल्यू ई आर सुपर पावर, ठीक है। तो एस का कोड क्या है मेरे पास, एस का कोड है मेरे पास ये वन, तो यहाँ पे मेरा वन हो जाएगा। यू एक भवल है, तो यू किसके बाद आता है, के बाद आता है ना। तो के बाद जब यू आता है तो चलो यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूँ के बाद, ठीक है। यू ओ आता है और यू आता है, और इसके पहले ए ई और आई, ठीक है। तो के ये यू जो है वो के बाद का है, तो के बाद का मतलब आपका डॉलर और एंड, ठीक है। दोस्तों मेरे से एंड सही से लिखा था नहीं है तो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद पी का कोड क्या हो जाएगा, पी का कोड हो जाएगा आपका फाइव, पी का कोड फाइव हो गया। अब ई देखिए ई आया है, तो ई का कोड क्या होगा, क्योंकि ये के पहले का है तो कोड हो जाएगा स्टार, ठीक है, स्टार और एंड, स्टार और एंड। फिर आर का क्या हो जाएगा सेवन, पी का फाइव, ओ आया है, ओ का के बाद का है तो डॉलर और एंड, डॉलर एंड। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का कितना हो जा रहा है फोर, फिर ई आया है तो स्टार और एंड, और आर है तो आपका सेवन। तो ये मेरा टोटल इसका सुपर पावर का कोड हुआ। तो इसमें कौन सा है, ये मेरा देखिए ये सेवन, ये एंड, ये स्टार, देखिए यहाँ पे स्टार तक ठीक हुआ, फोर फोर, फिर डॉलर, फिर एंड, फिर डॉलर, देखिए यहाँ पे भी मैच हो रहा है एंड, फिर डॉलर, फिर फाइव सेवन, देखिए फाइव सेवन, फिर एंड स्टार फाइव, फिर डॉलर, ये एंड, फिर डॉलर वन एंड डॉलर वन, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा टू, ये मेरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना था ये वाले कोडिंग को। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट का देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर, ठीक है। चलो लिख लेते हैं पी आर ई एम ए टी यू यू आर ई प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का पी का हो जाएगा फाइव, आर का क्या है सेवन, ई का क्या हो जाएगा स्टार और एंड, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा थ्री, ए का क्या हो जाएगा स्टार एंड, क्योंकि ये के पहले का है। टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा टू, यू का हो जाएगा डॉलर एंड एंड। उसके बाद आर का क्या हो जाएगा सेवन, और ई का हो जाएगा फिर स्टार एंड, स्टार एंड, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा क्या हुआ, एंड स्टार से शुरू हो रहा है, एंड स्टार यहाँ पे है। उसके बाद मतलब पीछे से मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा कोडिंग में आप पीछे से चेक कीजिएगा, इजी हो जाएगा उसका मैच करना। उसके बाद सेवन एंड डॉलर, सेवन एंड डॉलर, यहाँ तक तो तीनों मिल रहा है। उसके बाद टू एंड स्टार, टू एंड स्टार, देखिए ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला अब एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इस टू के बाद स्टार एंड होना चाहिए, यहाँ पे टू के बाद एंड थ्री है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों चल रहा है, ठीक है। उसके बाद थ्री है, थ्री यहाँ पे भी है, स्टार के बाद थ्री है, थ्री है दोनों में। उसके बाद एंड स्टार है। उसके बाद सेवन फाइव, यहाँ पे फोर है, ठीक है। तो ये मतलब ये भी हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये सेवन के बाद फाइव, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। तीसरा चलिए देख लेते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन में क्या है देख लेते हैं,
एस यू बी डी आई वी बी आई एस आई ओ एन सब डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, ध्यान रख लेना, ये भी है। अच्छा एस का क्या है, एस का है वन, यू का क्या हो जाएगा डॉलर, एंड उसके बाद बी का, बी का है वन, डी का है थ्री, आई का क्या हो जाएगा, आई के पहले का है तो स्टार एंड, स्टार एंड। उसके बाद वी का हो जाएगा थ्री, फिर आई है स्टार एंड, फिर एस है, एस का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, फिर आई का स्टार एंड, ओ का क्या हो जाएगा आपका डॉलर और एंड, और एन का हो जाएगा फोर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कोड, तो क्या हो जाएगा, फोर से शुरू होता है फोर एंड डॉलर, फोर एंड डॉलर चारों में है। उसके बाद क्या है स्टार, स्टार चारों में वन है, वन चारों में है, एंड सर चारों में है, फिर स्टार चारों में है, फिर थ्री, तो ये वाला मेरा कट गया क्योंकि इसके बाद स्टार के बाद वन आ रहा है, ये कट गया। उसके बाद क्या है थ्री, थ्री के बाद क्या है एंड स्टार, एंड स्टार सब में है, इसमें भी है, तीनों में है। उसके बाद फिर थ्री आ रहा है यहाँ पे, फिर वन आ रहा है ये वाला, तो ये भी कट जाता है। तो अब ये आगे चलेगा, थ्री के आगे वन है, यहाँ पे भी वन है, फिर उसके बाद एंड आ जाता है यहाँ पे, देखिए एंड आ गया, यहाँ पे है डॉलर, ठीक है, ये डॉलर है, तो इसका मतलब ये भी कट गया। उसके बाद क्या है एंड डॉलर और वन, तो एंड डॉलर वन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, फोन नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से इसको करना था। चलिए चौथा वाला ये आपका रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फॉर्मेट का आंसर क्या होगा, ठीक है, फॉर्मेट का आंसर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, ये एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, ये पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी आया था, तो मैं सोचा कि आपको करवा दूं। यहाँ पे बोलेगा देयर आर टू रोज गिवन इन, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रोज, वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर और स्टेप फाइव, ठीक है। तो मेरा रो कौन सा है, ये वाला, देखिए ये रो वन है, ये रो वन है और ये रो रो टू, ठीक है। तो हमको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पे बोला देखिए इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है। देखिए शुरू यहां से करना है, तो ये तो देखिए मेरा ऑड नंबर हो गया, तो मतलब ये वाला कंडीशन मेरा नहीं जमेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन लिखा होगा उसी के हिसाब से मुझे ये नंबर पे चेक करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए, फिर स्टेप टू देखिए, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेड विल बी द डिफरेंस ऑफ द ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड द ऑड नंबर। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये फॉलोड बाई क्या है, आगे क्या है फोर है, तो मतलब फोर तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कंडीशन बैठ रहा है। तो क्या बोला है, इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड द ऑड नंबर। तो बोला है कि यार जो स्क्वायर नंबर है फोर और जो ऑड नंबर है नाइन, इसका डिफरेंस, तो नाइन माइनस फोर क्या हो गया फाइव, ठीक है, फाइव आ गया। अब देखिए ये इसका दोनों का जो रिजल्ट आएगा उससे फिर हमको आगे जो नंबर रहेगा इसको कंपेयर करना है ये फाइव को, तो मुझे ये फाइव यहाँ पे बिठाएंगे और कंडीशन के जो भी आपका यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए उस हिसाब से जो सेट होगा मैं करूँगा आगे, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है तो मैं ऑड नंबर वाला ही चेक करूँगा, देखिए इसमें हमको टाइम बचाना होता है। अब इवन नंबर को पूरा मत पढ़ो, यहाँ पे देखिए आया है रिजल्ट इन ऑड नंबर और यहाँ पे भी आगे है ऑड नंबर, तो मैं सिर्फ ऑड नंबर वाले जो है उसको ही चेक करूंगा, ये इवन नंबर है स्टेप वन में नहीं देखूंगा। If an odd number is followed by a perfect square, देखिए ये तो 5 तो perfect square नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। If an odd number is followed by another odd number, ये देखिए यहाँ पे 5 है ये odd number और ये भी 5, ये भी odd number, तो सही बोल रहा है, but not a perfect square, सही बात है 5 तो perfect square होता नहीं है। Then the resultant will be the addition of the both the number, तो मतलब मुझे बोला गया है इसको add करना है,
ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ये मेरा जो है, ये मेरा रो वन का जो है मेरा रिजल्ट आया। ठीक है, अब मुझे मुझे क्वेश्चन में क्या, फाइंड द सम ऑफ द टू रोज, मतलब जो दोनों दोनों रो का आंसर आएगा उसका सम निकालना है। ठीक है, तो रो वन का मुझे मिल गया। अब रो टू का चेक करेंगे क्या बोला है। देखिए यहाँ पे इवन है और ऑड है, मतलब इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो हम इवन नंबर वाले कंडीशन को चेक करेंगे सिर्फ। ठीक है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ ऑड नंबर, सही बात है, द रिजल्टेड विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर। तो यहाँ पे तो देखिए 6 है इवन नंबर और उसके आगे 17 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो बोला है हमको इसको ऐड करना है, विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब 23 इन दोनों का मेरा करके एडिशन करके मेरे पास आ गया। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का 23 आया और आगे मेरा है 2। तो मतलब ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर। ठीक है, तो मैं ऑड नंबर वाले कंडीशन को ही चेक करूंगा सिर्फ। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो ये जमेगा नहीं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, नहीं ये तो इवन नंबर है ये चलेगा नहीं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए ये तो सही है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, देन द रिजल्टेंट कम्स द मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर। तो इसको बोला है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये मेरा रो 2 का जो है रिजल्टेंट आ गया। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द टू रोज का रिजल्टेंट पूछा है, तो 46 और फर्स्ट का 10 तो कितना हो जाएगा 56 रिजल्टेंट हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, ये फोन नंबर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में, होप आपको समझ में आ गया हो, ये अगर समझना है तो ये 50। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रोज इज 43 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, बोल रहा है क्या रो वन, ठीक है ये मेरा हो गया आपका रो वन और ये हो गया रो टू। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है रो वन प्लस रो टू का जो रिजल्टेंट है, ओके इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, अब आज पता नहीं मेरा राइटिंग और भी ज़्यादा खराब हो रहा है, मैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए ये एक है कि सही नहीं है, चेंज होता नहीं, चलो ठीक है कोई ना। अच्छा रो टू, ठीक है रो टू हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 43। ठीक है, तो चलो अब हम कंडीशन देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ऑड नंबर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर वाले जो कंडीशन है उससे शुरू करेंगे। ठीक है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी ऑड नंबर है तो नहीं हो सकता। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, चलो ये मिल सकता है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है यहाँ पे भी ऑड नंबर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। देन द रिजल्टेड विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा 5 और 11 का, तो 5 और +11 = 16। ठीक है, 16 हो गया, तो अब क्या हुआ, ये जो 16 हुआ और 16 और 5 में से कंपेयर होगा, यहाँ पे जो 5 ये आ गया इसमें कंपेयर होगा। तो अब देख लेते हैं क्या करना है, ये मेरा इवन नंबर और ये मेरा ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर। ठीक है, तो वही हम कंडीशन देखेंगे। देखिए इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो ये नहीं होगा लास्ट वाला। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर। अच्छा ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन कर देंगे 21। ठीक है, ये एडिशन हो गया। अब देखिए एक चीज बोल रहा है कि मेरा रो वन और रो टू का जो रिजल्टेंट है वो टोटल जो है 43 है। ठीक है 43 है, अगर रो वन का मुझे मिल गया 21 तो रो कितना हो जाएगा, रो टू का 22, तो रो टू का मेरा रिजल्टेंट जो होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए 22 टोटल, ठीक है याद रखना रो 2 का रिजल्टेंट मेरा 22 होना चाहिए। अब रो 2 में क्या है, देखिए ये 18 इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो हम इवन नंबर वाले स्टेप को चेक करेंगे। अच्छा कहां पे है, एक तो इफ एन इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये तो होगा नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं। लास्ट एक इवन नंबर ये नीचे है, इफ एन इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कर देखते हैं, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर। अच्छा क्या कह रहा है कि अगर एक इवन नंबर को दूसरा इवन नंबर फॉलो करता है, ठीक है मतलब उसके बाद आता है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो डिवाइड किया जाएगा किससे, सेकेंड वाले नंबर से, ठीक है तो ये डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3। तो चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू ये कट गया, ठीक है 18 कट गया तो बचा मेरा कितना 3। अच्छा 3 और यहाँ पे है मेरा x, मुझे x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। अब देखिए रिजल्टेंट 2 का जो रिजल्ट होगा वो होगा 22, ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 ऑलरेडी है, तो ये कितना होना चाहिए ताकि ये 22 हो जाए, तो ये हम अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 19, ठीक है समझ में आ गया। तो x का वैल्यू मेरा 19 होना चाहिए, बट अभी भी हम ये श्योर नहीं है कि x का वैल्यू क्या सच में 19 होगा, तो अब मुझे इसको कंडीशन से चेक करना है, ठीक है जो मेरे स्टेप्स दिए गए हैं उसमें चेक करना है। तो मेरा यहाँ पे 3 यहाँ पे 19 है, ठीक है तो इसमें कुछ होगा जो मिलके मेरा टोटल 22 होना चाहिए, ठीक है तो देखेंगे क्या है, यहाँ पे भी इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन नंबर है, तो चलो देख लेते हैं क्या है स्टेप्स। इफ एन सॉरी ऑड नंबर, मैं गलती बोल गया, ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 19 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो ये कंडीशन नहीं होगा। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मिल रहा है देखिए ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर। अच्छा तो 3 और 19 का एडिशन हो जाएगा, तो अगर देखे तो ये वाला 3 और 19 का एडिशन हम करते हैं तो मुझे 22 मिल जाता है, ठीक है तो मतलब मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा सेकेंड 19 आंसर, ठीक है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रो। ओके फर्स्ट रो और सेकेंड रो का हमको डिफरेंस निकालना है, रिजल्टेंट मतलब जो भी ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इसको करके जो भी रिजल्टेंट रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो सेकेंड रो का उसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है मेरा इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर, यहाँ पे भी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाले कंडीशन हम चेक करेंगे। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड, ये नहीं होगा। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अच्छा तो ये भी मेरा ठीक है, ये भी ऑड नंबर है, ये तो मेरा ये जो है ये मेरा तो ये और आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब 19 और 3 ऐड हो जाएगा, तो 19 प्लस 3 हो जाएगा 12, ठीक है सॉरी 12 हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद 12 के बाद क्या है, 12 के बाद 2 है, ठीक है इसको जो इसका इन दोनों का करके मेरा जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर जो तीसरा रहेगा उसको कंपेयर करना होता है, ठीक है तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा यहाँ पे 22 ही होगा, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है 19 प्लस 3 प्लस 2 22, ठीक है 22 और 2, तो यहाँ पे भी इवन नंबर यहाँ पे भी इवन नंबर, तो हमको अब चेक करना है इवन नंबर वाला कंडीशन। इफ एन इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ये होगा नहीं तो डेफिनेटली यही वाला कंडीशन जो स्टेप 5 वाला है यही होगा इसमें। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिविजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाई द सेकेंड नंबर। अच्छा
तो बोला है कि अगर दोनों इवेंट नंबर है, मतलब तो एक इवेंट नंबर को दूसरे इवेंट नंबर फॉलो करता है, तो क्या करना होगा, जो पहला इवेंट नंबर है उसको डिवाइड किया जाएगा दूसरे नंबर से, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 11। तो रो वॉक वन का मेरा रिजल्टेंट आ गया 11, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला चेक करेंगे आप, ये 15, यहाँ पे भी 15, तो मतलब ये भी ऑड, तो ऑड वाले कंडीशन चेक करेंगे। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, अब देखिए 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर 3 का, ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड द ऑड नंबर, मतलब इसका और इसका जो है हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, 6 आ गया। और उसके आगे क्या है, उसके आगे है 21, तो मुझे इन दोनों का कंपेयर करना है और उसके बाद जो आएगा वही मेरा रिजल्टेंट 2 होगा, रो 2 का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या है, ये तो इवेंट नंबर है और ये है ऑड नंबर, तो अब हम इवेंट नंबर वाले कंडीशन चेक करेंगे। इफ एन इवेंट नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर। चलो तो ये हमको बोल रहा है कि एडिशन करना है जब अगर एक इवेंट नंबर को एक ऑड नंबर फॉलो करता है, मतलब एक इवेंट नंबर के बाद एक ऑड नंबर आता है, तो हमको इन दोनों का जो है वो ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट 1 है, ठीक है, ये रिजल्टेंट 2 का रिजल्ट आ गया, तो मुझे बोला गया कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का जो है मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 116 मेरा आंसर हो जाएगा, ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। चलो लास्ट वाले ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो खुद से, ठीक है ना, इसको आप ट्राई करो और करके मुझे बताना कि क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं नंबर शायद चेक करना भूल गया था, तो नंबर पे आप ध्यान नहीं देना, ठीक है। अगले वाले ये वाला आपके लिए रहेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट 1, ये रो 1 है और ये रो 2, ठीक है। चलो इसका मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आप इसी तरीके से सीखते रहिए, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा, आपको बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारे चीज़ों का आइडिया हो जाए, ठीक है। चलो वो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।